फर्स्ट टाइम है लखनऊ में, मैं रहने वाला आगरा का हूँ। एक फैमिली फंक्शन की वजह से यहाँ आया था और पता चला कि अंशुल भैया और कोई भैया यहाँ पे अपना सास और सुखन कर रहे हैं। घर का फंक्शन छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, गाली पड़ चुकी है। ये मॉडर्न पोइट्स के साथ मेरा दूसरा इवेंट है, पहला दिल्ली में करा था मैंने। स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, भैया ने अभी दंगे पोइट्री बताया था कि स्टोरी आपको सुनाऊंगा। और क्या मतलब अभी स्टोरी का क्या पोजीशन अभी मिली है स्टोरी के बाद मुझे, वो मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। स्टोरी का उस बार बारिश बहुत जोर से पड़ रही थी। एक रोज स्कूल से लौटते वक्त मैं और फैजान बरसात से बचने के लिए इस मस्जिद में जा पहुंचे। जब माँ को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा कितनी बार समझाया है तुझे लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। अरे मान जा मेरी बात, मत जाया कर उस मस्जिद की तरफ। अगर तेरे बाबा को इस बात का पता चल गया ना तो वो तेरी टांगे तोड़ देंगे। और वो जो तेरा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? हाँ फैजान, उससे तू दूर रहा। मैं अपनी माँ की बात मान तो लिया करता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों वो मुझे और फैजान को मिलने से रोकती। भाई सुलेमान चाचा ने तो कभी फैजान को नहीं रोका मुझसे मिलने में, लेकिन पता नहीं माँ क्यों अक्सर रोका करती। बाबा हर शाम पूजा के बाद गुरुजी के प्रवचन सुनने जाया करते थे, माँ अक्सर घर में ही रहा करती। हर बार मैं और बाबा वो जो मस्जिद के पास वाली मिठाई की दुकान है ना, उससे जलेबियां भी खाने जाया करते थे। वो क्या है, मुझे जलेबियां बहुत पसंद है लेकिन ये जो नालायक फैजान है ये हर बार मेरी जलेबियां छीन लेता है मुझसे। उस रोज जब मैंने बाबा से जलेबियां खाने की फरमाइश करी तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया, कहा जब तक ये लोग हमें हमारी जमीनें वापस नहीं कर देते हम में से कोई भी उस मस्जिद की तरफ नहीं जाएगा। कौन सी जमीनें लेनी थी बाबा को? वो मस्जिद वाली जमीन? तो मस्जिद की जमीन मेरी भी तो है, आज तक मुझे तो कभी किसी ने नहीं रोका उस मस्जिद में जाने से। तो फिर कौन सी ऐसी जमीनें थी जो बाबा को खाली करानी थी? अगले रोज जब मैं स्कूल से घर लौटा तो देखा कि दुकानों को खाली कराया जा रहा है और सारी दुकानें बंद कराई जा रही। जब माँ की नजर मेरे पर पड़ी तो उन्होंने मुझे खींच कर घर के अंदर कर लिया, मानो कह रही हो बरसात होने वाली है ना तो तुम भीग ना जाओ इसीलिए तुम्हें अंदर कर रही। और मैं इस बात को सच समझ कर सो गया। उस पूरी शाम बाहर से आवाजें आती रही लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोलने दिया। और अगले दिन जो कुछ भी हुआ वो इतिहास। अब वो जगह वहां नहीं है जहां मैं और मेरा फैजान खेला हुआ। उस रोज जब बाबा शाम को घर आए तो उनके बदन पर कई जख्मों के निशान थे। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि तुम अब से स्कूल मत जाना क्योंकि शहर में दंगे हुए, कहीं कोई हिंदू तो कहीं कोई मुसलमान मारा जा रहा। लगातार काफी दिनों तक उस नीचे वाले कमरे में बैठा बैठा उठ गया था। माँ की जरा आंख लगी तो बाहर निकल कर आया, देखा कि अब गली की कुछ ही दुकानें रह गई थी, मेरा फैजान भी देखा था तो सिर्फ मलबा और कुछ एक लोग जो उस मलबे में अपनों को ढूंढ रहे। इन दिनों जब बाबा घर नहीं आए तो बाबा के बड़े भाई मेरे बड़े बाबा ने मुझे बता दिया कि बाबा अब कभी नहीं।
बाबा ने फैजान को मारा था और सुलेमान चाचा ने बाबा। सुलेमान चाचा अपनी दुकान में ही जलकर मर गए। ये सब एक दिन शांत होना था, इस बार भी। अगली बार जब मैं स्कूल गया तो मेरा फैजान साथ नहीं था मेरे, ना वो मिठाई की दुकान की बात था तो सिर्फ मन था। उस रोज एक प्रश्न जहन में आया मेरे, जो मैं अक्सर लोगों से पूछा करता हूं, कि जब मैं और फैजान साथ रह सकते हैं तो ये हिंदू और मुसलमान साथ क्यों नहीं रह सकते। कहीं हिंदू का खून जलता है, कहीं वो मुसलमान मारे जाते। कहीं हिंदू का खून जलता है, कहीं वो मुसलमान मारे जाते हैं। यहाँ बचकर चलना मेरे दोस्त अक्सर दंगे हो जाते हैं। क्या बात है। कई वहशी उस भीड़ से आते हैं, कई वहशी उस भीड़ से आते हैं, अपनों को अपनों के खिलाफ भड़काते हैं। दंगाइयों की कोई जात नहीं होती। बहुत सही। कई वहशी उस भीड़ से आते हैं, अपनों को अपनों के खिलाफ भड़काते हैं। कभी गीता, कभी कुरान, तो कभी बाइबल का खौफ दिखाते हैं और मेरे इस हसीन से जहान में दंगे हो जाते हैं। तो बचकर चलना, तुम बचकर चलना, हो सके तो जरा संभलना। यहाँ लोग अक्सर जिंदा जला दिए जाते हैं। बचकर चलना मेरे दोस्त, अक्सर दंगे हो जाते हैं। वाह वाह।